नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। 2023 में क्या तेजस्वी यादव वाकई बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? जगदानंद ने एक बार इशारा किया था, जी हां, वही जगदानंद जो बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इशारा किया था कि 2023 का इंतजार कीजिए, मुख्यमंत्री के गद्दी पर नीतीश नहीं तेजस्वी बैठेंगे। जी हाँ, उन्होंने इशारा किया था और कई दफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गाहे बगाहे इस बात के संकेत देते रहे हैं, क्योंकि पिछले दफा ही उन्होंने बोलते बोलते उप मुख्यमंत्री के जगह पर मुख्यमंत्री तेजस्वी कहकर संबोधित किया था और काफ़ी मीडिया में सुर्खियां छाया गया था। लेकिन इस बार भी नालंदा में थे, नालंदा के रोही प्रखंड में आपको दंत महाविद्यालय और अस्पताल का उद्घाटन कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक ऐसी बातें कह दी जिसके लेकर सबकी कान खड़े हो गए। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, तेजस्वी यादव मेरे बाद भी सब कुछ ठीक ठाक करते रहेंगे, देखने आएंगे। देखिए सीएम नीतीश क्या कुछ इशारा कर रहे हैं, पहले वो सुनिए। आप तो हमारा एक बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही रहे, इतना तो हम लोग कर ही रहे और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं आएगी। बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे मत किसी के बाप में झंझट करिएगा, आपस में एकजुटता रखना चाहे सबको मिल करके एक साथ से काम करना है और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। इसलिए हम यही आप सबसे अनुरोध करेंगे, आप सबसे प्रार्थना करेंगे। और तो आपने सुना, दरअसल आज रोही प्रखंड के, नालंदा जिले के रोही प्रखंड में दंत अस्पताल और महाविद्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। 410 करोड़ की लागत से अस्पताल बन रही है और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इशारों ही इशारों में उन्होंने कहा कि मेरे बाद, यानी कि तेजस्वी यादव बतौर तो अभी स्वास्थ्य मंत्री भी वही हैं, डिप्टी सीएम भी है बिहार के, लेकिन एक शब्द से कई शब्द निकलने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, कुछ लोग लड़ाने का प्रयास करेंगे, आपसी भाईचारा खत्म करेंगे, लेकिन मेरे बाद भी तेजस्वी यादव सब कुछ ठीक करते रहेंगे। कहीं ना कहीं सीएम नीतीश ने भी ये इशारा कर दिया कि मेरे उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी ही है। अब जगदानंद सिंह की वो भविष्यवाणी, बार बार सीएम नीतीश का जुबान फिसलना और नालंदा में कार्यक्रम में डायरेक्ट इस बातों का संकेत देना, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो जरूर है जिसको लेकर के ये इस प्रकार की संकेत आ रही। और 2023 में तो अब दिन ही कितने बचे हैं, शायद ये खुशखबरी। और आपको याद होगा कि कुढ़नी उपचुनाव के दौरान तेजस्वी यादव भी मंच से कह चुके हैं कि आप लोगों की बदौलत मैं डिप्टी सीएम बना हूं और बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। यानी कि क्या ये माना जाए कि 2023 में सीएम तेजस्वी यादव बनने वाले हैं? खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ।